हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योत्सना, मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी, सभी का फेवरेट गुड्डे बिस्किट। आज हम लोग इसे कढ़ाई में बनाएंगे। इसमें ना तो बेकिंग सोडा होगा और ना ही बेकिंग पाउडर, पर मार्केट के गुड्डे बिस्किट इतना ही फुला हुआ और सॉफ्ट बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कैसे उंगली से दबाने मात्र इसे कैसे टूटकर बिखर रहा है। तो फिर बना लिया जाए गुड्डे बिस्किट्स। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे जुड़ूँ, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसे भी प्रेस कर दे प्लीज प्लीज प्लीज। आपके एक सब्सक्राइब से मैं इनकरेज होती हूँ, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सबसे पहले काजू को तवा या कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है। काजू को ब्राउन या फिर गोल्डन नहीं करना है, बस इतना भुनना है कि इसका कच्चापन चला जाना चाहिए। एक मिनट हो गया है, अब फ्लेम को बंद कर देना है। अब करना यह है कि रोस्ट किए हुए काजू को मिक्सी जार में डालकर दरदरा ग्राइंड कर लेना है। बिस्किट के लिए डो बना लेते हैं। इसके लिए मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ। मेजरमेंट करके बताऊँ तो 200 ग्राम मैदा है। इसी के साथ मैं 1/4 कप से भी कम बेसन को ऐड कर रही हूँ। ये है ग्राइंड किया हुआ काजू, इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। बारीक वाले को अलग बाउल में रख लिया है और मोटे दरदरे को अलग बाउल में। बारीक वाले काजू को अभी आटे के साथ मिक्स कर लेना है। इसके लिए हमने 80 ग्राम घी ले रखा है। घी को थोड़ा थोड़ा करके आटे में मिक्स करना है। अंगुलियों के हेल्प से घी को आटे में अच्छे से मिला लेना है। आप घी की जगह बटर या फिर तेल मिला सकते हैं। घी अगर ले रहे हैं तो घी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, मेल्ट घी यूज में नहीं लाना है। 1/4 कप पाउडर शुगर को भी ऐड कर लेना है। ये 140 ग्राम पाउडर शुगर है। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी को मिक्सी ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें, चीनी पाउडर बन जाएगा। चीनी पाउडर को भी आटे में मिक्स कर लेना है। अब बाकी बचे हुए घी को भी आटे में मिला लेना है। जब घी चीनी आटे में अच्छे से मिल जाए तो इसमें डालना है काजू के मोटे टुकड़े को। मैं इसमें बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ। आप अगर डालना चाहते हैं तो 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। अब इसमें दूध डालकर नेट करना है। ज़्यादा दूध नहीं डालना है, इतना आटा में बस 2 टेबल स्पून दूध डालना है। डो तो ऑलमोस्ट घी से ही बनने लगा है, पर सिर्फ घी से डो जुड़ नहीं पाता है। जब आप डो से बॉल बनाओगे तो वो अपने आप बिखरने लगेगा। दूध डालने से परफेक्ट डो तैयार होगा। इस तरह से पाम और उंगलियों से मसल मसल कर चिकना डो तैयार करना है। इतना आटा को नीट करने में हमें 12 मिनट का समय लगा है। डो बनकर तैयार है, तो चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब एक कढ़ाई लेना है, नमक को कढ़ाई में डालकर फैला देना है। इसे प्री हीट करना है, जैसे आप केक वगैरह के लिए प्री हीट करते हैं। इसमें भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। नमक में स्टैंड के लिए आप कटोरा रख सकते हैं या फिर इस तरह का स्टैंड रख लें। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें मीडियम टू हाई फ्लेम पे, जिससे कि नमक अच्छे से गर्म हो जाए। अब या तो बटर पेपर ले लें या फिर अलमुनियम फाइल। अब करना यह है कि कोई सा भी अलमुनियम का बर्तन ले लें। आपके लिए एक एडवाइज है, आप जब भी बिस्किट या केक बना रहे हों तो अलमुनियम का बर्तन ही यूज में लाएं। स्टील का बर्तन बहुत ही जल्द गर्म होकर काला पड़ जाता है। ज़्यादा हीट के कारण आपका रेसिपी ख़राब हो सकता है। मैं यहाँ पे ढोकला बनाने वाला प्लेट ले रही हूँ। हमने प्लेट को अलमुनियम फॉल से कवर कर लिया है। आपके पास बटर पेपर है तो वही यूज में ले लें। अगर आपके पास बटर पेपर या फिर अलमुनियम फॉल नहीं है तो फिर प्लेट में तेल से ग्रीस करके मैदा से डस्टिंग कर लें। अब इस डो से बॉल बनाना है। इसके बाद इसे बेलना है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसका थिकनेस ऑलमोस्ट 1/2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह से ढक्कन को प्रेस करते हुए कट कर लेना है। आप कोई सा भी जार के कैप या फिर कटोरा या फिर ग्लास ले लें। गुड्डे बिस्किट के इतना साइज होना चाहिए। इसका थिकनेस देखिए, बस इतना ही होना चाहिए। अब साइड के आटा को हटा लेना है। अब एक नाइफ यानी कि चाकू लेना है और चाकू को लाइटली प्रेस करते हुए इस तरह का डिजाइन बना लेना है।
इसी तरह से बाकी बचे हुए डो को भी बेल लेना है, सर्कल शेप में काटना है। कटोरी या फिर कैप की हेल्प से आप चाहें तो ऊपर से काजू का और भी टुकड़ा डाल सकते हैं। आप इसे कटोरी से भी डिजाइन दे सकते हैं। इसी तरह से सारे बिस्किट का शेप बना लेना है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे अल्मोनियम फॉल से रैप किए हुए प्लेट में। 15 मिनट हो गए हैं, ये भी प्रीहीट हो गया है। तो हम स्टैंड को केयरफुली नमक पर रखते हुए बिस्किट के प्लेट को भी स्टैंड पर रख देंगे। अब इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पे 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। बिस्किट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं पाउडर शुगर भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा अच्छा दिखे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं या फिर आप इसे अवॉइड कीजिए। देख सकते हैं बिस्किट कैसे फूलने लगा है। आप इसे इडली मेकर भी बना सकते हैं। बिस्किट्स को दूसरे साइड में टर्न कर लेना है, पलट लेना है, जिससे कि बिस्किट का कलर ऊपर और नीचे सेम सा दिखे। लो फ्लेम पे 10 मिनट तक दूसरे साइड में बेक करना है। 10 मिनट बाद वापस से सीधा कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे कुछ काजू के टुकड़े प्लेट में गिर गए हैं। वाओ, लुक एट दैट, कितना बढ़िया हमारा बिस्किट बनकर तैयार हुआ है। लग रहा है ना जैसे मार्केट से खरीद के लाया गया है गुड्डे बिस्किट। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है हमारा बिस्किट। मैं आपको उंगलियों से क्रश करके दिखा रही हूँ कितना इजीली टूट रहा है। तो आप कब बना रहे हैं इस बिस्किट्स को? तो फ्रेंड, मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें मेरे साथ। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज प्लीज प्लीज, बगल में एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसे भी दबा दें। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।